हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रेड डिज़ाइनर ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में सीखेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे सर्दी चल रही है तो आपकी जैकेट में आपकी चेन बहुत ख़राब होती है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है और काफ़ी कॉस्टली आपको पैसे खर्च कर करके आपको उस चेन को ठीक करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखेंगे एंड तक तो आप समझ पाएंगे कि आप कम पैसों में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें और अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेन को, हमें चेन लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन ले लेंगे और जो हमें जैकेट चाहिए उस साइज़ की को हम जैकेट ले लेते हैं। हम जैकेट भी ले लेते हैं जो भी हमें चाहिए। ये हमने जैकेट ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें जैकेट जब चेन लगानी स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे ऊपर से। तो ये चीज़ जो होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, हम चेन को पूरा खोल लेते हैं। इन्हें पूरा खोल लिया, चेन हमारी आराम से खुल गई है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो कुछ तरीके से करके ये हमने इसको यहाँ पे बंद हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारी चेन लंबी होती है, जैसे हम नहीं मिल पाती है हमें छोटी, तो जो अगर हम लंबी होगी तो हम इसको ऊपर से कट करेंगे, नीचे से नहीं। अगर हम नीचे से कट करेंगे तो ये हमारी चेन हो जाएगी बेकार। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नीचे से नापते हैं किस तरीके से। ये हमारा नीचे का साइज, तो अब हम इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे नाप लेते हैं कितनी हमारी एक्स्ट्रा है। जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा होगी उस पर हम निशान लगा लेते हैं। यानी हमारी इतनी एक्स्ट्रा है चेन, तो अब हम इसको यहाँ पे निशान लगा देते हैं। इतनी हमें कट करनी है, जो हमने निशान लगाया इतनी हमें कट करनी है। तो कट करने से पहले हम इसको लॉक को नीचे कर लेंगे इतना। उसके बाद हम इस चेन को इतना जो हमने निशान लगा रखे इसको कट कर लेंगे। तो जो हमारी एक्स्ट्रा होगी चेन, वो उसको हम क्या करेंगे, कैंची की मदद से जो जो भी हमने निशान लगाया एक्स्ट्रा का, अब उसको कट कर देते हैं इतना इतना, इसको कट कर देते हैं। फिर अब आप माचिस या एक लाइटर जो भी आपको मिले उसको ले लीजिए आप। और अब हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से हमें इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे एक्स्ट्रा धागे भागे हैं ये हमारे नहीं निकलेंगे। इससे हमारी चेन जो है मजबूत भी रहेगी और जिससे हमारे धागे नहीं निकलेंगे। अभी हमारे नहीं निकलेगा, तो अब हम इसको लगाते हैं। दोस्तों, पहले हम इसको यहाँ से टक कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारी पूरी है, हमारी परफेक्ट आ रही है। अगर छोटी बड़ी हो तो वो भी आप कर सकते हो। हम सिलाई यहाँ पक्की कर लेते हैं। पक्की करने के बाद फिर हम सिलाई को इस सिलाई को हम फिर सीधी सीधी मार लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम पक्की कर लेते हैं सिलाई, क्योंकि यहाँ से हमें धागा दूसरा चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम ब्लैक नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसके कलर का हमने धागा ले लिया है, वो हम डाल लेते हैं। तो हम दूसरी साइड भी इतनी इतनी सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि हमें बार बार धागा चेंज करना होगा, इसलिए हम एक ही साथ दोनों तरफ पहले हम फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे तो एक साथ हमारा आराम से टच हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ से पक्का कर लेंगे जैसे हमने इस वाले उसमें करा था पजुश। यहाँ से हमने पक्का कर लिया है, अब हम इसको भी यहाँ से काट देते हैं। और हम क्या करेंगे, अब हम धागा चेंज करके ये वाला अब इसके ऊपर की सिलाई मारेंगे। खाली हम ऊपर का धागा भरेंगे, नीचे का नहीं, नीचे का हम ब्लैक रहने देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको पक्का करेंगे, अब हम सिलाई यहाँ पे भी मार देते हैं। तरीके करते करते हम सीधी सिलाई मार लेते हैं पूरी। तो अब हमने यहाँ पे सिलाई पक्की कर ली है, पक्की करके अब हम यहाँ को निकाल लेते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने एक तरफ चेन लगा दी है, ये हमारी एक तरफ लग गई चेन। अब नीचे का जो हमारा तागा है एक्स्ट्रा को काट लेते हैं, ये हमारी लग गई। अब हम दूसरी साइड भी लगाएंगे जो हमने छोड़ दी थी सिलाई। तो अब हम दूसरी सिलाई जो मारेंगे, पहले हम चेन को हमारी परफेक्टली आ रही है, अब हम इसको यहाँ पर रख लेंगे इस कोने से। अब यहाँ पर हम पक्की करेंगे सिलाई,
फिर ये सिलाई करते करते हम सीधी सिलाई ही मार देंगे। और हमने सिलाई यहाँ पक्की कर दी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हम देखते हैं हमारी चेन कैसी लग गई है। इसको हम इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे, हमेशा यहाँ से पकड़ के हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारी एक परफेक्टली चेन लग चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके बताएं आपको, लाइक करें और शेयर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।